think this is the first ever time that you get to meet a family of Macho, the family of JGH. ये सभी लगभग पिछले डेढ़ साल से इंतजार कर रहे थे इस दिन का. हर रोज मिन्नतें करते थे, हर रोज पूछते थे संदीप जी से कब हमें टाइगर से मिलने का मौका मिलेगा. और आज साक्षात आप उनके सामने खड़े. So how does it feel being a part of Macho? Over to you. सबसे पहले आप सबको नमस्ते. एंड मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं एक ब्लैक बेल्ट नहीं हूँ. मुझे वो एक्चुअली गिफ्ट किया गया वो ब्लैक बेल्ट कोई फंक्शन में. बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव. एंड यहाँ आकर खासकर बहुत खुश हूँ मैं आज, क्योंकि यू नो इट्स अ बिग डे फॉर Macho एंड द कंपनी. एंड आई एम वेरी वेरी यू नो प्राउड एंड ऑनर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ योर कंपनी. सो थैंक यू सो मच Macho. एंड या थैंक यू फॉर हैविंग मी. थैंक यू. ऑफ कोर्स थैंक यू सो मच टाइगर. टाइगर, इससे पहले हम आपसे कुछ और बातचीत करें, कुछ सवाल मैं पर्सनल पूछ सकता हूँ? एक दोस्तों वाला सवाल. बिल्कुल बिल्कुल. इतनी लड़कियां आपके पीछे पागल हैं? Really? Come on, girls. Whoa, yes, we are, of course. हाँ, ये सवेरे से तैयार हो रही है. मैं कल से तैयार हो रही हूँ. कल से मतलब मेकअप 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 ड्रेस आयनिंग ए वो. सो क्या रीजन क्या है इतना? थोड़ा सा टिप्स वगैरह. जवान लड़के आए हुए हैं काफी सारे. उसके लिए जैकेट उतारना पड़ेगा सर. Do you want to see that? Do we want to see that? Yes. No, ever since I joined Macho, really, it's the Macho banyan that I keep wearing all over the place. That's wow. Right. That's so right. So Tiger is wearing one of our new variant of Macho hint. Dekhna chahenge? Dekhna chahenge? Dekhna chahenge? Tiger, what do you say? Itni jaldi? Itni jaldi. चलिए थोड़ा सा let's wait for a bit. No? Let's wait for a bit. Okay, Tiger, talking about your stunts, your moves, your dance move, and your effortless action that you do, बिना किसी मेहनत के बड़े ही आराम से आप फैशन भी करते हैं और अपना एक्शन भी करते हैं. सारे एक्शन सीन्स इन योर मूवीज एवरीवेयर. सो राज क्या मतलब? आई मीन व्हाट इज द सीक्रेट बिहाइंड सो मच ऑफ एनर्जी एंड एफर्टलेस एक्शन? आई थिंक काफ़ी ऑब्वियस एक्सप्लेनेशन है. कारण है इज़ दैट यू नो मैं हर चीज़ को लेकर आई वर्क वेरी हार्ड. बी इट एक्शन या डांस, काफ़ी रिहर्सल्स करना पड़ता है. एंड दोनों एक्शन और डांस एक्चुअली इज़ लाइक अ कोरियोग्राफी. तो आई ट्राई टू मेक इट एज एस्थेटिक एंड ब्यूटिफुल फॉर द ऑडियंस टू सी इट व्हेन इट कम्स ऑन स्क्रीन. तो आई थिंक जस्ट बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ हर चीज़ को लेकर. तो आई थिंक दैट्स probably the reason. Yeah. बात करें हमारे Macho hint जिसका tagline है fashion बड़े आराम से. So what does fashion mean to you? How well do you relate with fashion, especially when it comes to the innerwear? How important is fashion? I think for me fashion, मेरा जो personal style statement है, fashion statement है, वो है कि you know just like how Macho says live life बड़े आराम से. It's all about being comfortable in what you're wearing, and I think Macho has that comfort and has the style element as well. So it's a perfect blend of all these things, really. Yeah. Absolutely. And हाँ जी, तालियाँ बजा सकते हैं जी, खोल के तालियाँ बजाइए. And Tiger, हमारा एक तो सवाल है. कहा सवाल है? पूछ ले जरा. मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने you have spent so much of time in learning taekwondo martial arts, you have spent so much of time in learning dance also, and who has been your source of inspiration if we talk about dancing or martial arts? बचपन से मैं ब्रूस ली का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ. ब्रूस ली और माइकल जैक्सन. तो आई थिंक बोथ ऑफ देम आर यू नो एक्सट्रीमिस्ट इन देयर ओन फील्ड्स. तो आई थिंक जहाँ तक मुझे याद है आई हैव बीन यू नो फैंस ऑफ बोथ ऑफ देम. और अगर बॉलीवुड की बात अगर करें तो आई थिंक मैं ऋतिक रोशन से काफ़ी इंस्पायर हूँ. अच्छा, रियल लाइफ में भी कभी कुछ एक्शन सीक्वेंस हुआ है आपका किसी के साथ? स्कूल में मार बहुत खाता था मैं. बचपन में मार बहुत खाता था मैं. पर लकली आई एम अ वेरी फास्ट रनर, सो आई टू ऑलवेज रन अवे एंड मोस्ट ऑफ द टाइम आई टू गेट अवे. अच्छा टाइगर, वन लास्ट रिक्वेस्ट बिफोर वी मूव अहेड टू द प्रोसीडिंग्स. आपका हीरोपंती को फेमस डायलॉग आती जाती वाला, वो अगर आप सुना दे हमको तो. उसकी तो 5 साल हो गए, भूल भी चुका हूँ मैं. जितेश याद लाएगा जैसी. व्हाट आती जाती डायलॉग हीरोपंती? हाँ, क्या बड़ी हीरोपंती तक करता है तू. अब क्या करूं, सबको आती नहीं और आप सबकी जाती नहीं.
Wow. Macho brand has been associated with some of the big Bollywood names like Salman, Ajay Devgan. You are kind of associated with the brand as well, and you're coming into their league as well. So how do you feel kind of being associated with something as a big league? Well, it's a huge honor, you know, sort of following in their footsteps and, you know, trying to carry the torch on. And I hope I've not let Sir down. And it's a brand that I completely believe in, so I thought, you know, it'd be a perfect fit if I sort of, you know, entered this area/arena. And I'm having a great time representing Sir's brand. So, you know, it's a philosophy I totally believe in, like I said. Out of all the brand ambassadors that Macho has had, any of the other ambassadors that you'd like to be associated in a TVC as well? If you could see, like, you've had another brand that you've collaborated with one of the other Bollywood stars. So when it comes to Macho, do you also wish to be in pair with in a TVC with one of the other brand ambassadors of the brand? Well, if the concept, you know, goes with it, and if it makes sense, then yeah, why not? It'd be a pleasure. ब्रांड मार्केट में आपकी ब्रांड वैल्यू जो है लगातार बढ़ती जा रही है बहुत सारे प्रोडक्ट्स को आप एंडोर्स करने लगे हैं इसके बारे में पहले क्या बताना चाहते हैं बहुत खुशी की बात है आई थिंक खासकर बागी 2 के बाद काफ़ी अप्रिशिएशन मिल रहा है काफ़ी फ्रॉम द वे ब्रांड्स माई वैल्यू हैज़ गॉन अप आई थिंक बिकॉज ऑफ द सक्सेस ऑफ बागी 2 खासकर तो उसके लिए बहुत ही शुक्रगुजार हूँ मैं और बहुत ही थैंकफुल हूँ कि यू नो अ लॉट ऑफ ब्रांड्स आर seeing, believing in me and thinking that I can help them represent that brand. What excites you to choose this, like, Macho? Macho ke baare mein agar baat kare to, khaskar main zyada excited tha kyunki unki jo philosophies the, unki jo jo tagline hai, bade aaram se, I think it's something that I can relate to. It's a brand I believe in and, yeah. Kitna proud maante hain kyunki hum Macho mein dekhte hain ki Salman jaise brand ambassador, Ajay Devgan, उसी फैमिली में आप जुड़ गए हैं आप लगता है कहीं ना कहीं एक स्तर पे आप पहुंच चुके हैं कि इनके साथ आप नहीं नहीं बिल्कुल नहीं खासकर या ये आई थिंक सलमान सर और ये जितने भी नाम आपने अभी मेंशन किया जी बहुत बड़े स्टार्स हैं और काफ़ी समय से इंडस्ट्री को रूल कर रहे हैं बट बहुत ही थैंकफुल हूँ कि मुझे भी एक मौका मिल रहा है टू यू नो बी ए पार्ट ऑफ सच अ ग्रेट ब्रांड Tiger, your next films are also a very interesting lineup. You have Student of the Year 2 and you also have the film with Pritik as well, with Vani as well. So there were some reports coming out that probably you had a no-kissing clause which you had to break for the Student of the Year 2, if you would like to clarify on those reports. Well, I think that's just a rumor, really. If you've seen any of my films, then, you know, not that I've deliberately, you know, done it, but every one of my films has had a kiss. And yeah, but it's not something I really focus. If the story demands it, you know, it's not a problem. As actors, I think we have to be open to such things. Talking about future films, there were also other reports saying that probably you're in talks with Sanjay Leela Bhansali, if there's any clarification on those. You know, he was just kind enough to sort of meet me, but we haven't, there's nothing that's been official or anything. Just, you know, a courtesy meeting and I'm a big fan of his work. Excited for Baagi 3. Filhal to, टाइम है उसके लिए फिलहाल SOTY2 और ऋतिक वर्सेस टाइगर देयर इज नो टाइटल टू दैट फिल्म बट बिजी विद दीज टू फिल्म्स रिपोर्ट्स आर दैट यू नो यू आर गोइंग टू हैव अ फेस ऑफ विद ऋतिक इन द मूवी अ डांस फेस ऑफ इज दैट ट्रू वेल आई थिंक इट्स टू अर्ली टू पिनपॉइंट दैट वी हैवंट रियली क्रिएटेड दैट सॉन्ग येट But there's an interesting situation in the film where, you know, both of us come together on the dance. And also rumors are there that, you know, he's playing a guru of yours. Well, yeah, we had sort of publicized the film that way when we had announced it on Twitter, on social media. So, yeah, I think that's already out there. Tiger, कितने खुश हैं आप जिस जिन्हें आप मेंटर मानते हैं ऋतिक को उनके साथ काम करने का मौका मिल रहा है आप हमेशा से कहते रहे कि वो आपके आइडल हैं आइकन हैं क्या कुछ कहना चाहेंगे आई थिंक मेरे लिए खासकर एक लाइफ लॉन्ग ड्रीम है क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ है मैं बहुत बहुत ज़्यादा मानता हूँ उनको एज एन एक्टर एज अ ह्यूमन यू नो आई एम बिग फैन ऑफ हिम और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा मुझे
और बहुत ही एक्साइटेड हूँ. अक्टूबर से हम एक्चुअली साथ में शूट करने वाले हैं, तो एक्साइटेड फॉर दैट. टाइगर, डू यू वांट प्रतीक टू बी इजी ऑन यू एज अ यंगस्टर? यू वांट हिम टू बी एज टफ एज एवर? आई वांट हिम टू बी एट हिज बेस्ट. या ही इज ऑलवेज एट हिज बेस्ट. आई डोंट थिंक ही विल एवर गो इजी. टाइगर, एक और सवाल कि हाल ही में एक दिशा और ऋतिक के को लेकर एक खबर थी जिसपे दिशा ने भी क्लैरिफिकेशन दिया और ऋतिक ने भी क्लैरिफिकेशन दिया. आप कुछ क्या कुछ कहना चाहेंगे उस तरह के रूमर्स पर? आई थिंक एक पार्ट एंड पार्सल है. आई थिंक एवरी स्टार नॉट जस्ट ऋतिक सर फेसेस दैट. आई थिंक इफ वंस यू इन द लाइमलाइट यू नो यू बिकम एन इजी टारगेट. हालांकि बहुत ही सिली रूमर था और मैं दोनों को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, तो यू नो देयर नथिंग लाइक दैट. आई मीन देयर बोथ लवली ह्यूमंस. थैंक यू गाइस. थैंक यू सो मच. थैंक यू.